कोरोना महामारी की दूसरी लहर की तीव्रता से इसके संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार मनपा व पुलिस दिन रात प्रयत्नशील है। वहीं कुछ गलत लोग कोविड की रिपोर्ट बेचकर काली कमाई कर रहे हैं। बहुत से लोगों को यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अब अगर उसमें किसी यात्री को कोविड है तो वह नेगेटिव रिपोर्ट के जरिए यात्रा करता है तो वह इस संक्रमण को न जाने कितने लोगों को फैला देगा। काशीमीरा क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 ने ऐसे ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बिना कोई जाँच के कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट कर लोगों को देता था। आरोपी कांदीवली के लालजीपाड़ा में रहता है और मूल रूप से आजमगढ़ का है। मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक अविराज कुराड़े को गुप्त सूचना मिली थी कि मीरा रोड में एक प्रतिष्ठित लैब में काम करने वाला एक युवक कोविड के बिना कोई लैब जांच किए आधार कार्ड की फोटो लेकर 1000 रुपए में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर देता है। इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे 5 गंभीर अवस्था वाले कोविड मरीज व एक बोगस ग्राहक के मोबाइल से कुल 6 लोगों को कोविड रिपोर्ट नेगेटिव बनाने के लिए युवक से संपर्क किया। इसके एवज में 6000 रुपए नगद स्वीकार करते हुए आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से कोविड की 5 नेगेटिव रिपोर्ट व एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ नयानगर पुलिस में भांदवी की धारा 465, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उप आयुक्त डॉक्टर महेश पाटिल सह आयुक्त रामचंद्र देशमुख के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अविराज कुराड़े, संपत राव पाटिल, उप निरीक्षक हितेंद्र विचारे, हवलदार संदीप शिंदे, किशोर वाड़ीले, संजय शिंदे, पुष्पेंद्र थापा आदि की टीम ने की है। मीरा भेंदर मनपा के नेता प्रतिपक्ष व शिवसेना नगर सेवक प्रवीण पाटिल ने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले व महापौर ज्योत्सना हसनाले को पत्र लिखकर सभी अधिकारी पदाधिकारी नगर सेवक व डॉक्टर्स की बैठक आयोजित करने की मांग की है। पाटिल ने अपने पत्र में लिखा है कि मीरा भेंदर शहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। गंभीर पीड़ितों को प्लाज्मा भी समय पर नहीं मिल रहा है जिसमें उनके परिजनों रिश्तेदारों को परेशान होकर इधर उधर भागदौड़ करनी पड़ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन प्लाज्मा शीघ्र समुचित व्यवस्था करने की मांग पाटिल ने की है। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की जा रही उपाय योजना में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने व उसकी समीक्षा के लिए बैठक आयोजित करने की मांग की है। दुर्घटना हमेशा मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर काशीमीरा क्षेत्र में होती है। इस बीच घायलों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है। इस पर ध्यान देते हुए कल यानी कि 15 अप्रैल को मीरा भेंदर नगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हसनाले द्वारा एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस संजय हजारे, परिवहन विभाग के रमेश भामे, वार्ड अध्यक्ष सुरेखा सोनार, अध्यक्ष सचिन महात्रे, राजेश सोनवड़े, पंचशील सामाजिक संगठन के अध्यक्ष परशुराम सालवे, कार्यकारी अध्यक्ष ठोकल, उपाध्यक्ष उत्तम राव नाइक आदि उपस्थित थे।